नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कहानी 2012 के आसपास से शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2012 विधानसभा चुनाव के बाद वीरभद्र सिंह दोबारा सत्ता में लौटे। सीनियर नेता कौल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने 2013 में सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी और यहीं से वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच टकरार का दौर शुरू हो गया। अब ये टकरार वीरभद्र सिंह की अगली पीढ़ी और सुक्खू के बीच जारी। बीते 20 महीने से प्रदेश की राजनीति में कई ऐसी सियासी घटनाएं हुई हैं जिसने पता चलता है कि वीरभद्र सिंह गुट और सीएम सुक्खू के बीच अब भी 36 का आंकड़ा बना हुआ। बेशक वीरभद्र सिंह के निधन के 3 साल का वक्त बीत चुका हो, लेकिन अब भी उनकी अगली पीढ़ी यानी कि विक्रमादित्य सिंह पिता के नक्शे कदम पर ही चल रही। दरअसल कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान और फैसले लगातार सरकार और कांग्रेस को परेशानी का कारण बना रहे। इस वजह से प्रदेश में सुक्खू सरकार भी असहज है और वीरभद्र सिंह और सुक्खू के बीच 2013 से लेकर 2017 तक टकरार हुई है और तनातनी लगातार दिखती रही। अब उनके बेटे और सीएम के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर खटपट नजर आती है। हाँ, ये बात जरूर है कि वीरभद्र सिंह के वक्त ये टकरार सार्वजनिक तौर पर दिखाई देती थी। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और इस दौरान वीरभद्र गुट और सुक्खू गुट में सीएम पद को लेकर जमकर खींचतान हुई। प्रतिभा सिंह भी सीएम पद की रेस में थी और जोर आजमाइश की गई, लेकिन बाजी सुक्खू मार ले गए। फिर लगातार प्रतिभा सिंह संगठन के लोगों को सरकार में जगह न मिलने पर आवाज़ उठाती रहीं और मीडिया तक ये सवाल आए हैं कि मंडी लोकसभा का चुनाव लड़ने से भी उन्होंने मना कर दिया। इसी साल जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहां पर कांग्रेस हाईकमान ने जाने से इनकार किया और कांग्रेस पार्टी ने समारोह से दूरी बनाई। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने हाईकमान के फरमान को खारिज करते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। यहाँ पर भी विक्रमादित्य सिंह राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करते नजर आए। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस तो समारोह में नहीं जा रही है, फिर विक्रमादित्य सिंह क्यों जा रहे हैं? हालांकि विक्रमादित्य सिंह को बकायदा प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, इसी वजह से कांग्रेस की मुश्किलें आई हैं और सफाइयां देनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में फरवरी महीने में राज्यसभा चुनाव हुए और 27 फरवरी की तारीख को सियासत में कौन भूल सकता है। कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। यहां पर ऐसा घमासान मचा कि सरकार पर संकट आ गया और इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बगावती तेवर दिखाते हुए अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। यहां तक कि बागी विधायक के जब पंचकुला के अंदर होटल में रुके थे तो विक्रमादित्य सिंह वहां से नजर नहीं आए और साथ में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के सीएम की एडवाइजरी भी थे। ऐसे में यहां पर भी विक्रमादित्य सिंह को लेकर कई सवाल उठे। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि विक्रमादित्य सिंह भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और अब वो भी सुक्खू कैबिनेट में ही हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के बाद विक्रमादित्य सिंह को सियासी तौर पर नुकसान हुआ है, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया ताकि इमेज में सुधार हो सके। यही वजह थी कि शिमला के संझौली में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर वो सदे हुए बयान दे रहे हैं और इशारों इशारों में हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन संझौली मस्जिद विवाद के बीच स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर विक्रमादित्य सिंह के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी में भूचाल ला दिया। इस दौरान दिल्ली से लेकर शिमला तक सरकार और पार्टी हाईकमान को सफाई देनी पड़ी। खुद सीएम सुक्खू को बयान जारी करना पड़ा है कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुए। सीएम के करीबी विधायक के संजय अवस्थी ने यह कहा कि ये विक्रमादित्य सिंह का निजी बयान है और सरकार अभी इस पर मंथन करेगी। गौरतलब है कि विक्रमादित्य सिंह लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और उन्होंने राम मंदिर का समर्थन भी किया। हिंदुओं से जुड़े मुद्दे पर लगातार वो समर्थन करते रहे, अपनी राय रखते रहे और ऐसे में उन पर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने के इल्जाम भी लगते रहे। हिमाचल प्रदेश में 2012 से 17 तक वीरभद्र सिंह सरकार में रहे और इस दौरान सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष थे और संगठन और सरकार के अंदर लगातार टकरार होती रही। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद से अब उनका गुट कमजोर हो गया। इसका पता इस बात से चलता है कि सरकार में अब वीरभद्र गुट के कम ही लोग हैं और सीएम सुक्खू ने संगठन के गिने चुने लोगों को ही सरकार में एडजस्ट किया।
कैबिनेट में वीरभद्र गुट से केवल विक्रमादित्य सिंह ही नजर आते हैं और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी कभी वीरभद्र सिंह के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब वो तटस्थ भूमिका में नजर आते हैं। उधर प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनी हुई हैं, लेकिन कब तक रहेंगी ये किसी को नहीं पता। विक्रमादित्य सिंह के पिता को विरासत आगे ले जा रहे हैं, हालांकि उनके सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बड़ी चुनौती लगातार बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।